दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2019 से रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाले हैं। और जैसा कि देख सकते हैं हम हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस वीडियो में हम भोजपुर जिला के औपबंधिक मेधा सूची के बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे नियोजन इकाइयों का अपडेट प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे नगर पंचायत जो शाहपुर है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाने की ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे यह है नगर पंचायत शाहपुर के हायर सेकेंडरी का, फिर नीचे में नगर पंचायत शाहपुर के यहाँ पे सेकेंडरी टीचर का भी यहाँ पे अपडेट है। सभी के जो नियोजन इकाइयाँ हैं उनके बारे में हम अपडेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए 11 नवंबर यानी आज ही का ये अपडेट है। कुछ जो अपडेट है कुछ नियोजन इकाइयों का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है पहले भी जारी कर दिया गया है, तो यहाँ पर उन सब के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नगर पंचायत शाहपुर के जो हायर सेकेंडरी के टीचर हैं उनके यहाँ पे प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा पीडीएफ दिया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अकाउंटेंट सब्जेक्ट का है, कंप्यूटर का है, हिस्ट्री का है, संगीत का है, वनस्पति विज्ञान का, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पीडीएफ है। और एक पीडीएफ ऊपर में दिखाई दे रहा होगा आपको, जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 173 केबी का ये जो पीडीएफ है मेरे हिसाब से जो आपत्ति दर्ज कराने का डेट है उससे रिगार्डिंग है, लेकिन ये जो पीडीएफ है इसमें कुछ इरर है, ये पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सीधा अकाउंटेंट के सब्जेक्ट पे चलते हैं। और आपको बात करते हैं आपत्ति दर्ज कराने का जो डेट है, यहाँ पर अभी भी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देर से जारी होता है वहाँ के लिए आपत्ति दर्ज कराने का डेट मिनिमम 1 सप्ताह दिया जाता है। तो आप जो है किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है उसमें डाउट होता है, या फिर आपको ये लगता है कि आपका मेरिट लिस्ट जो है गलत बनाया गया है, तो आप इसके लिए डाउट सॉरी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पीडीएफ की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंट, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए लेखा शास्त्र सब्जेक्ट लिखा गया है ऑलरेडी, और लेखा शास्त्र में यहाँ पे देखिएगा तो टोटल यहाँ पे 16 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, और 16 कैंडिडेट में से यहाँ पे देखिए सबसे जिनका हायर यहाँ पे मेरिट है वो है 68.14, उनसे नीचे हैं और अन्य सभी मेरिट हैं। तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा अगर आपका लेखा शास्त्र सब्जेक्ट है तो। और यहाँ पर अभियुक्ति यानी रिमार्क्स वाले सेक्शन जो है उसमें भी मेंशन कर दिया है, कुछ अगर आपको यहाँ पर गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कुछ भी है तो यहाँ पर रिमार्क्स वाले सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग है तो आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभी भी डेट यहाँ पे जरूर से होगा, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी खुल नहीं रहा है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट यहाँ पे बात करें तो जो अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे ये है कंप्यूटर शिक्षक। कंप्यूटर शिक्षक में टोटल 14 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, सॉरी 22 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, और यहाँ पे देखिए 22 कैंडिडेट में से सबसे जिनका हायर मेरिट है उनका 66.59 है, और अन्य सभी उनके लोएस्ट ही हैं। तो आप जो 22 कैंडिडेट में से आप अगर आपका मेरिट सही होगा तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, सीट के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। यहाँ पे कुछ जो है अभियुक्ति, यहाँ पे अभियुक्ति बताया गया है कि सिंपल बीए है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कुछ यहाँ पे ओवर एज कैंडिडेट हो गए हैं तो वो लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल में ही आप सभी को बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है रिजेक्टेड लिस्ट में भी शामिल हुए हैं, तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पे ओवर एज कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे बताया गया कि बीए में अकाउंटेंट है तो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हुए हैं और गलत फहमी में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे आवेदन दे दिया है। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है इतिहास, और इतिहास में देख सकते हैं टोटल 5 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। 5 कैंडिडेट में यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जिनका मार्क्स है वो है 66.55, और उसके लोएस्ट में ही सब है बाकी सब। ओके, और अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे औपबंधिक मेधा सूची, संगीत सब्जेक्ट है, एक कैंडिडेट ने आवेदन किया है 58.96, अगर यहाँ पे सीटें हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक का लास्ट यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं इनमें 2 कैंडिडेट ने आवेदन किया है लेकिन एक ही कैंडिडेट यहाँ पे सही है, दूसरा कैंडिडेट जो है अप्राप्त है, कुछ यहाँ पे उसका गड़बड़ी है। तो देखिए एक जो कैंडिडेट है कुणाल किशोर, इसका कुछ गड़बड़ी के कारण इसका जो है कंप्लीट नहीं किया गया है, और एक कैंडिडेट है 58.86 है इसका मेरिट वनस्पति विज्ञान में। यहाँ पे मैंने नगर पंचायत शाहपुर के उच्च माध्यमिक शिक्षक का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बताया, अब बात कर लेते हैं नगर पंचायत शाहपुर का ही माध्यमिक शिक्षक का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 सब्जेक्ट है। 9 सब्जेक्ट का जल्दीबाजी में बताता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी सब्जेक्ट में देख सकते हैं 2 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। 2 कैंडिडेट में से पहला कैंडिडेट का 72.16 मेरिट है, दूसरा का 68.98 है। तो अगर 2 यहाँ पे कम से कम सीट होगा दोनों कैंडिडेट के लिए तो आवेदन इनका जो है यहाँ पे कंप्लीट, इनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगला देख सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है ये है ललित कला, और ललित कला सब्जेक्ट में यहाँ पे टोटल 5 कैंडिडेट ने आवेदन किया है। 5 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट का आवेदन जो है अप्राप्त है,
ठीक है, तो इनको यहाँ पे आपत्ति दर्ज कराना पड़ सकता है कुछ उनको गड़बड़ी लग रहा है तो। और बाकी दो कैंडिडेट का 56.84 और 56 यहाँ पे मेरिट बन रहा है। अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये गणित सब्जेक्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं गणित में यहाँ पे टोटल 54 कैंडिडेट ने आवेदन किया है और 54 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का आवेदन अप्राप्त है, उनको आपत्ति दर्ज कराना होगा। बाकी यहाँ पे 53 जो कैंडिडेट हैं इनका मेरिट यहाँ पे दे दिया गया, सबसे हायर मेरिट 72.99 यहाँ पे है। और यहाँ पे अगला जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है माध्यमिक का नृत्य कला का, और यहाँ पे 63.22 मेरिट बन रहा है, एक ही यहाँ पे एक ही कैंडिडेट ने आवेदन किया है। ओके, और अगला सब्जेक्ट ये जो है संस्कृत का है, संस्कृत में दो कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 67 और एक का 65 मेरिट है। दूसरा यहाँ पे अगला सब्जेक्ट है विज्ञान, और विज्ञान सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट ने आवेदन किया है उनकी संख्या है 34, 34 में से कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे रिमार्क्स वाला सेक्शन में बताया गया है कि बीए पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट यहाँ पे नहीं है, तो उनको यहाँ पे जो है आपत्ति दर्ज कराने के रूप में जमा भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे हायर मेरिट 78.93 गया है। अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक में टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 29 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, और 29 कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा जो मेरिट है 68.41 है। और अगला यहाँ पे देख सकते हैं ये अगला जो सब्जेक्ट है ये है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में टोटल यहाँ पे कैंडिडेट जो आवेदन किए हैं मैं आपको सबसे नीचे ले जाकर आपको दिखाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा आवेदन गिर रहा है बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन या फिर बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, सभी में सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा आवेदन जा रहे हैं क्योंकि सीटें यहाँ पे कम है। 416 कैंडिडेट ने आवेदन किया है सामाजिक विज्ञान में। ओके, और यहाँ पे बाकी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का यहाँ फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, उसका रीजन अब रिमार्क्स वाले सेक्शन यानी अभियुक्ति वाले सेक्शन में मेंशन है, हायर मेरिट 76.327 है। तो सीट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना परसेंट चांसेस है आपके सेलेक्ट होने का। और ये लास्ट पीडीएफ है, ये जो है उर्दू सब्जेक्ट का है, टोटल दो कैंडिडेट ने आवेदन किया है, एक का 73 मेरिट बन रहा है, एक का 60 मेरिट बन रहा है। तो दोस्तों आप सभी को अभी मैंने बताया नगर पंचायत शाहपुर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो कि 11 नवंबर यानी आज की डेट में यहाँ पे अपलोड किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं नगर पंचायत कोइलवर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो कि 22 अक्टूबर के डेट में ही यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इसे भी हम जल्दीबाजी में डिस्कशन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक का बात कर लेते हैं नगर पंचायत कुलवर का, उसके बाद में उच्च माध्यमिक का भी बात कर लेंगे। यहाँ पे नगर पंचायत माध्यमिक में टोटल यहाँ पे इंग्लिश मैथ संस्कृत शारीरिक शिक्षा के शिक्षक उर्दू के यहाँ पे सीटें था, उसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। उसके बाद में उच्च माध्यमिक की बात करें तो कंप्यूटर या हिंदी का सीटें था और उसका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक की बात करें अंग्रेजी सब्जेक्ट की तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, हायर मेरिट जो है 75 है। उसके बाद में गणित है, गणित सब्जेक्ट लिए यहाँ पे टोटल 60 कैंडिडेट ने आवेदन किया है और यहाँ पे हायर मेरिट गया है 75.71। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और अभियुक्ति यानी रिमार्क्स वाले सेक्शन में अगर कुछ मेंशन है तो उस पर आप एक्शन जरूर से लीजिएगा, कुछ उसमें दिक्कत है तो आपको आपत्ति दर्ज कराना पड़ सकता है। अगला यहाँ पे है ये सब्जेक्ट है संस्कृत, और संस्कृत में टोटल 5 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 69.71 हायर मेरिट है। उसके बाद में है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, और यहाँ पे टोटल 30 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 53.10 लोएस्ट मेरिट है और 65.43 यहाँ पे हाइट मेरिट है। उसके बाद में उर्दू सब्जेक्ट में 3 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, एक कैंडिडेट में जो है बीए का अंक पत्र उपलब्ध नहीं है इसका, तो इस कैंडिडेट को बीए के अंक पत्र जो है जमा करना होगा आपत्ति दर्ज कराने के रूप में, जितना जल्दी हो सकता है वो जमा कर दे। उसके बाद में है अगला यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्टेड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, किन किन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है नगर पंचायत कोइलवर में, तो यहाँ पे 3 नाम दिए गए, श्याम नंदन कुमार, संगीता कुमार, कुणाल कुमार। यहाँ पे ये रीजन भी बताया गया है कि उनके यहाँ पे सीटें जो है उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ये रिजेक्टेड लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे अगले हम बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक का, यहीं पर जल्दीबाजी में हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक में देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो आवेदन आया है 32। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक का नगर पंचायत कोइलवर में 32 आवेदन आया है, हायर मेरिट जो है 69.97 है। और अगला यहाँ पे देख सकते हैं ये है हिंदी सब्जेक्ट, और हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 4 आवेदन आया है, और यहाँ पे मेरिट देख सकते हैं 67.85 हाईएस्ट है, 56.19 लोएस्ट मेरिट है। और यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक में दिखाया गया है रिजेक्टेड कैंडिडेट का भी, यहाँ पे जैसे कि रिजेक्टेड फॉर पीजी इन 2016, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्टेड भी है कंप्यूटर वाले में, तो उनका रीज़न भी बता दिया गया है क्यों वो रिजेक्टेड है। तो दोस्तों मैं अभी आप सभी को नगर पंचायत शाहपुर और नगर पंचायत कुलवर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट प्रोवाइड कराया, और बाकी यहाँ पे एक दो जो नियोजन किया है अभी रह गया है,
अभी रह गया है का मतलब यह है कि ये बहुत पहले ही अपडेट दे दिया गया था इसके बारे में, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे इसे देख लिए होंगे। अगर जो कैंडिडेट नहीं देखे होंगे वो कमेंट करेंगे तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, और अगर आप देख लिए हैं तो और भी अच्छा है, नहीं देखें तो ट्राई कीजिएगा अपने से डाउनलोड करके देखने का। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी पेज का डायरेक्ट लिंक रहेगा। जिस भी नियोजन के मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एक रह गया आपको जिला परिषद के नियोजन इकाई शायद यहाँ पर भी है, और उसका मेरिट लिस्ट प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, अगर जारी होता है तो मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा डिटेल में मैं बात करूंगा सभी नियोजन इकाइयों के बारे में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप अपने से देखने का ट्राई कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग है, आपके मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ किया गया है तो आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और अन्य किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको डाउट है तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए, सभी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो अन्य जिला है जिनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जैसे कि कैमूर जिला हो गया, अररिया जिला हो गया, उन सभी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर आकर आप देख सकते हैं सभी वीडियो को। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।